उसका स्टूडेंट स्टूडेंट क्लास नाइन्थ का 13.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन में है कि कोई एक घनाभाकार टंकी है जिसकी लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और गहराई 4.5 मीटर है। आपको बताना है कि इस टंकी में कितने लीटर पानी आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर घनाभाकार पानी की टंकी की लंबाई कितनी है, 6 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है, ठीक है। घनाभाकार टंकी का आकार कैसा होता है, इस तरह से होता है, ठीक है ना, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई डिफरेंट डिफरेंट होती है। इस तरह की जो टंकी होती है वो घनाभाकार होती है, ठीक। यहाँ पर इसकी लंबाई 6 मीटर होगी, चौड़ाई 5 मीटर होगी और ऊंचाई 4.5 मीटर होगी, ये इसका स्वरूप होगा। आपसे पूछा गया है कि इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, तो कितने लीटर पानी आ सकता है इसलिए इसका पहले आयतन निकाला जाएगा। इस आयतन को मीटर क्यूब में आना है और मीटर क्यूब से उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर घनाभाकार पानी के टंकी का आयतन का सूत्र क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, एल 6.5 and 4.5 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर जाएगा 6×5=30 और 4.5 मीटर, राइट है सर। अब देखिए यहाँ पर जीरो पहले बढ़ा लीजिए, 3×5=15, 12 और 1=13, यहाँ पर जाएगा पॉइंट और जीरो का कोई मान नहीं है, यहाँ पर किसकी वैल्यू नहीं रहती है, तो 135 मीटर क्यूब आ गया। आप जानते हो कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होता है, 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो इसलिए 135 मीटर क्यूब को आप यहाँ पर क्या करें, 1000×135 लीटर कर दीजिए, तो ये जाएगा 135,000 लीटर, ये पानी उस टंकी के अंदर होगा। क्वेश्चन बहुत सरल था, बहुत आसान था समझना, आप अच्छी तरह समझ में गए होंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल्स को बहुत अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू वॉच।